अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज सबसे पहले हम जो कोर या बेसिक इश्यूज हैं, इस तरह आप एक लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है जी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, फॉर लूप है, स्विच स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है ना हर लैंग्वेज में। इस तरह से डेटाबेस के कुछ कोर कंसेप्ट हैं जिसको आपने दूर नहीं कर सकते। मतलब आप जब तक ये चीजें डिफाइन नहीं कर सकते कि आप किसी चीज का डेटाबेस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें से कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं, आप ये चीजें डिजाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले उसमें से जो चीज इंपॉर्टेंट तीन है वो एंटिटी। अगर आप एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी एंटिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इज एंटिटी, टीचर इज एंटिटी, मैनेजमेंट इज एंटिटी, फिनांस डिपार्टमेंट। होंगे तो कोई इंसान ही ना, लेकिन उनके किरदार और उनकी वर्किंग तब्दील होगी। एन एंटिटी कैन बी अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। अगर वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती तो वो ऑब्जेक्ट एंटिटी नहीं बन सकती। प्रोडक्ट्स हैं एंटिटी हैं, कोर्सेज हैं वो एंटिटी हैं। दीज आर द रियल टाइम जो है आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, आइदर एनिमेट और इनएनिमेट। That can be easily identifiable. For example, in a school database, student, teacher, classes and courses offered can be considered as entities. All these entities have some attributes or property that give them their identity. हर एक में कुछ ना कुछ खुसूसियात और उसकी properties और identifications होंगी। An entity set is a collection of similar type of entity. इससे क्या मुराद है कि जो आप इसके अंदर हम लेंगे उसमें similar types होनी चाहिए। इससे क्या मुराद है? An entity set may contain entities with attributes sharing similar value. For example, a student set may contain all the students of a school. अब ये नहीं है कि आप MIT students के लिए अलग से टेबल बनाएं और BSIT के लिए अलग से बनाएं। एक यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल होने वाला तमाम स्टूडेंट्स का एक सा बायोडाटा होगा। ये नहीं होगा कि MIT के स्टूडेंट्स के लिए अलग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और BSIT के स्टूडेंट्स के लिए अलग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कॉमन फील्ड का इंतखाब होगा। मैं फील्ड की बात कर रहा हूं, मैं जैसे नेम एक फील्ड है ना कि उसके अंदर वैल्यू साज सैफ खावर बकास अक्सा, ये बात नहीं मैं कर रहा कि इसके अंदर वैल्यूज कौन सी आएंगी। मुझे एक प्री डिफाइंड, जब आप एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो आपको एडमिशन फॉर्म एक जैसे ही दिया जाता है या सबको डिफरेंट दिए जाते हैं? तो वो एडमिशन फॉर्म जो सबके लिए सेम है, हाँ उसमें आप अपना ऑप्शन बता सकते हैं कि जी आप किस कोर्स में इनरोल होने आ रहे हैं। उसके आगे फिर आएगा BSIT, BSTS, MIT, समझ रहे मेरी बात को? लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने कोर्स किस में इनरोल होना है, आपने कौन सा एडमिशन किस क्या कहते हैं उसको डिसिप्लिन में लेना है, तो यहां पे जो लिखा हुआ आएगा वो डिसिप्लिन होगा। मैं उसकी वैल्यूज इज डिफरेंट और जो आप उसका एट्रीब्यूट बना रहे हैं वो डिफरेंट है। लाइक फॉर द टीचर सेट मे कंटेन ऑल द टीचर्स ऑफ अ स्कूल फ्रॉम ऑल फैकल्टीज। अब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर अदरीस कंप्यूटर साइंस से हैं, फलां शख्स जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से है, फलां है। तो टीचर की इंफॉर्मेशन भी उन्होंने जो गैदर करनी है वो भी एक खास पैटर्न पे गैदर करनी, वो कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, कौन सा कोर्स नहीं पढ़ा रहा, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उसकी एजुकेशन, वो सब एक कैटेगरी के अंदर समाएंगे। दैट वाज अ रियल वर्ल्ड एंड दैट इज नोन एज अ। और फिर एंटिटी सेट नीड नॉट बी डिसजॉइंट। इसका मतलब ये है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई अलग अलग है। यानी अगर हम स्टूडेंट और टीचर के दरमियान देखें तो एक खास किस्म का रिलेशनशिप होना चाहिए, उनको ज्वाइन करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना है। एक ज्वाइन नहीं होना चाहिए, यानी कि टीचर अलग स्टूडेंट अलग हर चीज अलग अलग, फिर तो डेटाबेस का मकसद ही खत्म हो गया।
टेबल्स अलग-अलग बनेंगी और उनको फिर ज्वाइन कर दिया जाएगा ताकि जब आप देखें इंफॉर्मेशन करें तो उनके दरमियान रिलेशनशिप. एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय नेम्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. ऑल एट्रीब्यूट्स हैव वैल्यू. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी मे हैव द नेम, क्लास, एज, और क्या हो सकता है, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल. ये क्या है, किसके, स्टूडेंट एंटिटी के. टीचर आ गया, टीचर इज एंटिटी. क्या हो सकता है उसमें, टीचर नेम, टीचर फोन नंबर, टीचर ईमेल, टीचर एड्रेस, लाइक दिस ना. कोर्स आ गया, कोर्स नेम, कोर्स डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट आवर, नंबर ऑफ लेक्चर्स, इस तरह की चीजें आ गई. ये जो आपकी फाइल है, अटेंडेंस सिस्टम है, ये भी एक डेटाबेस की तरह बन. इसमें जो स्टूडेंट का रोल नंबर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है आपका, इसकी बेस पे आपके तमाम एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं. ये लिंक कर रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन. और इसी तरह से इस टेबल के अंदर यह जो टीचर सैंपल डाल लिखा हुआ है, इसकी मदद से मैं सैंपल डाल के सारे एट्रीब्यूट्स की क्वालिफिकेशन, इसकी सैलरी, इसका सारा सिस्टम, इन्होंने एक खास नंबर दिया होगा ना, इस ये जो सेशन है, क्रेडिट आवर्स है, सेक्शन है, सेमेस्टर है, कोर्स टाइटल है, ये सारी चीजें डिस्प्ले इसी तरह से ही होंगी. लेकिन इस फॉर्म के ऊपर भी जो चीजें दी गई हैं वो तीन डिफरेंट हैं. एक स्टूडेंट टेबल से आ रही, एक टीचर टेबल से आ रही, एक कोर्स टेबल से आ रही है, और एक चौथी बताते खुद इसकी आपकी अटेंडेंस की आ रही. यानी डिस्प्ले जब आप फॉर्म को दिखाएंगे तो वो इसी तरह ही होगा, लेकिन उसके लिए आपके पीछे जो है वो चार टेबल्स बन गई. देयर एग्जिस्ट अ डोमेन और रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी असाइंड टू एट्रीब्यूट. अगर आपने इंटीजर देना है, रोल नंबर देना है, आप वाले सिस्टम में MIT नंबर लिखा होता है, M यानी करेक्टर वगैरह दिए होते हैं, तो इस तरह का अगर मैंने रोल नंबर बनाना है तो मुझे इसको क्या टाइप देनी होगी, इंटीजर, करेक्टर, डेट, क्या देना होगा, बोलो, स्ट्रिंग आता है, वेरिएबल करेक्टर नहीं, खुदा का खौफ करें, डेटाबेस के वाले से बात हो रही है, VARCHAR, कल भी तो हमने टेबल बनाई थी. अगर आप इस तरह का कोई बना रहे हैं, और अगर आपने रोल नंबर बनाए हुए हैं 1, 2, 3 वाले, तो फिर आप क्या बनाएंगे उसको, आप उसको इंटीजर देंगे. हर एक पैरामीटर की एक सेट ऑफ वैल्यूज. अब जैसे स्टूडेंट नेम कैन नॉट बी अ न्यूमेरिक वैल्यू, कभी आपका रोल नंबर एक नहीं हो सकता, मतलब नाम 1, 2, 3 नहीं चल सकते. नाम आपके आते हैं जी अक्सा, सायरा, खावर, वकास, तो इट्स अल्फा न्यूमेरिक हो गए. स्टूडेंट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, स्टूडेंट की एज को नेगेटिव नहीं होना चाहिए. टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट. सिंपल एट्रीब्यूट्स आर एटॉमिक वैल्यूज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट फोन नंबर इज एन एटॉमिक वैल्यू ऑफ 10 डिजिट, फर्दर उसको डिवाइड एड्रेस को किया जा सकता है, एड्रेस को किया जा सकता है, हाउस नंबर है, सिटी नेम है, कंट्री नेम है, इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते. एटॉमिक से मुराद है इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते. स्टूडेंट की एज को डिवाइड किया जा सकता है, नहीं, एटॉमिक एक ही एज होगी. सिंपल, इस एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट. कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सिंपल एट्रीब्यूट. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कंप्लीट नेम में है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. आपको पता ही इस चीज का, मेरा नाम सैफुल्ला डार है. अंग्रेजी में तीन अल्फाज होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसा ही है. एक नाम को तीन हिस्सों में अलग-अलग डिवाइड कर दिया जाए, दैट वाज नोन एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट. वो जो फर्स्ट नेम है वो क्या है, सिंगल एट्रीब्यूट. अ कंबिनेशन ऑफ मोर सिंपल एट्रीब्यूट इज नोन एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट. कंपोजिट कहते हैं मोर देन वन. वकास का पूरा नाम क्या है, वकास, हर एक का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. अगर आप, अब यही चीज आपने सोचनी, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं किसी अमेरिकन कंपनी के लिए, मेरी बात को समझ रहे, तो फिर आप वहां पे क्या लेंगे, नेम के लिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम. आप पाकिस्तान में बना रहे हैं तो फिर आपको क्या लेना चाहिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. अमूमन लास्ट नेम के अंदर इंसान की जात पात बरादरी इस चीज से आइडेंटिफिकेशन होती है, या फादर नेम होता है अमूमन. डिराइव्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट आर द एट्रीब्यूट दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल डेटाबेस. फिजिकली नहीं एग्जिस्ट करेंगे, बट देयर वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन द डेटाबेस. फॉर एग्जाम्पल एवरेज सैलरी
इन द डिपार्टमेंट शुड नॉट बी सेव डायरेक्टली इन द डेटाबेस। आप एक सेल डिपार्टमेंट का बना रहे हैं, आप टोटल सेल निकाल रहे हैं, यानी आपने एक चीज आए 5000 की खरीदी हाइपरस्टार पे, दूसरी 200 की थी, फिर 1500 की थी, इसका सम होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल 8000 सम है, इसको डेटाबेस में नहीं स्टोर कराना। आपके स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट में मार्क्स है, दूसरे में मार्क्स है, तीसरे में, इसकी एवरेज क्या निकल रही है या जो भी है, उसको डेटाबेस में नहीं स्टोर कराना, लेकिन डिस्प्ले करवाने। डेटाबेस में कभी भी इस तरह से एवरेज, टोटल या सम, इस तरह की वैल्यू स्टोर नहीं करवाई जाती, बल्कि जब उनको रिट्राइव किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देम दे विल डिसाइडेड कि ये क्या है। इनको कहते हैं जी ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली इन द डेटाबेस। इंस्टेड इट कैन बी ड्राइव, फॉर अनदर एग्जांपल, कैन बी ड्राइव फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। पहली थी सिंगल एट्रीब्यूट, अब है वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कंटेन्स सिंगल वैल्यू, फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका क्या होता है, CNIC, रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट में कंटेन मोर देन वन वैल्यू, फॉर एग्जांपल वन पर्सन कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर, हो जाते हैं हो सकते हैं कि नहीं, तो उसको आप किस तरह डिफाइन करते हैं, फोन नंबर, हाउस होम फोन नंबर, ऑफिस फोन नंबर, मोबाइल नंबर, करते हैं कि नहीं करते हैं। अ पर्सन कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर, ईमेल कर सकते हैं, मोर देन वन ईमेल हो सकते हैं। दीज एट्रीब्यूट टाइप्स कैन कम टूगेदर इन अ वे लाइक सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, सिंपल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।